पहुंचे हैं वो उप्स कैफे में, बिश्केक की एक मशहूर जगह है, काफी बच्चे बच्चे हैं यहाँ पर दिखते हैं, तो एक बार यहाँ पर आकर देखते हैं कि यहाँ के हालात कैसे हैं। तो चलते हैं यहाँ पर कैफे में, अरिजीत सिंह के गाने चल रहे हैं यहाँ पर, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो ये आप लोग कैफे में बैठे क्या कर रहे हैं? डर नहीं लग रहा आप लोगों को? आपने तो सबको इंडिया में डरा कर रखा हुआ है कि पता नहीं आप कितने दहशत के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। सबको डरा कर यहाँ कैफे में मस्ती कर रहे हैं। थोड़ा अगर नजदीक आ जाएंगे तो बातचीत में सहूलियत होगी, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं। अभी तो सर काफी माहौल ठीक है, कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं। अपना नाम बताएंगे, कहाँ से हैं आप? मोहम्मद मुबीन सर, मैं यूपी से हूँ, मुरादाबाद। और आप? सर मोहम्मद रजा, मैं नियर झांसी से एमपी से हूँ। आप? सर मेरा नाम सौम्या यादव है, मैं भिलाई से हूँ, छत्तीसगढ़ से। सर मेरा नाम प्रेमलता कुमारी है, मैं बिहार से हूँ। तो पूरा इंडिया में बैठा हुआ है। तो कर क्या रहे हैं यहाँ पर? मतलब जो वातावरण बना हुआ था, जिस प्रकार से आप लोग अपने घरों में फोन कर रहे थे, वो विष्णुदेव साई जी बहुत परेशान थे तुम्हारे को लेकर, वहाँ उन्हें फोन जा रहे थे कि वो छत्तीसगढ़ के बच्चे जो है फंस गए हैं, उन्हें निकालने के लिए कुछ करें, और जाके उन्हें बताया जाएगा कि बच्चे तो वहाँ पर कैफे में बैठ गए कॉफी पी रहे हैं। सब माहौल अच्छा है, सब निकलने लायक है माहौल, सब आ गए, अब घूम रहे हैं, सब सेफ हो गया, अभी कहीं अभी निकलना सेफ। क्या वाकई यहाँ पे हालात इतने ज्यादा खराब हुए थे या जबरदस्ती की हाइप क्रिएट हो गई थी, मतलब हुआ क्या था? बस हाइप क्रिएट हुई थी, इतना कुछ था नहीं, नहीं बस हाइप थी। हम लोग उस वो हमको नहीं पता थी, जो भी हमको पता चला है वो सब सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला था, जो हमारे पास वीडियो सर्कुलेट हुई है, जो हम उसमें देखते थे हमको लगा ये सब वही हो रहा है, तो बस उसमें जैसा लगा हमको वही रियलाइज हुआ कि ये सब यही हो रहा है, तो हमको थोड़ा डर लगा था उस टाइम, तो वही सारी वीडियोस फोटो जो थी घर पर गई थी, तो थोड़ा परिवार को भी परेशानी हुई थी कि मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो फिर माहौल थोड़ा खराब है, लेकिन वैसा था नहीं उस टाइम। वैसे ऐसा माहौल यहाँ पे और दो चार महीने में हो जाता है या इतने समय से आप रह रहे हो पहली बार ऐसा माहौल देखने का मौका? पहली बार। ऐसा माहौल यहाँ जब से हम हैं 2 साल से बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक सडन और कोइंसिडेंस गलतफहमी की वजह हम मान सकते हैं, और ऐसा माहौल ना तिर्किस्तान में पहले कभी था, और उम्मीद करते हैं आगे भी कभी नहीं होगा ऐसा माहौल। आप लोग जब पढ़ने के लिए यहाँ पर आए, इससे पहले भी विदेश कहीं घूमे हैं? तो सबसे पहले अगर विदेश की बात की जाए तो आप सीधे किर्गिस्तान में आए, तो यहाँ पर जब आए तो लगा कि कहीं विदेश आए हैं या लगा जैसे अपने देश में वैसे ही कर रहे हैं? किर्गिस्तान में जब हम आए तो हमें बिल्कुल ऐसे ही लगा कि लाइक हम कहीं बाहर नहीं है, टोटल लाइक ऐसे कि हम इंडिया से बाहर नहीं है, हम इंडिया जैसे सारी फीलिंग्स और सारा कुछ फ्रेंडशिप माहौल और फ्रेंड जोन सारा कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ भी अलग से नहीं था कि हमें लगे कि हम आउट ऑफ इंडिया हैं या विदेश में, तो यहाँ माहौल भी बहुत कुछ फ्रेंडली है और सारे कुछ बराबर एक बार। यहाँ पर सर कैफे वगैरह ये सब जो है इंडियन थीम पर ही बेस्ड है, यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट जो है वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उन्हीं सबको देखकर लगता है कोई मतलब बाहर इतना गए नहीं है हम। ये हॉस्टल में आप रहते हो, वहाँ खाना वाना ठीक नहीं मिलता क्या, जो कैफे के चक्कर लगाते हैं? नहीं सर, नहीं सर, खाना तो ठीक मिलता है, खाना भी हॉस्टल में बढ़िया मिलता है। और कभी कैफे में क्यों आते हो? कभी कभार तो सर आउटिंग चलती है, आउटिंग चलती कॉलेज स्टूडेंट से सर चलेगी आउटिंग तो कभी। ऐसा तो नहीं कि माहौल खराब हुआ था तो कैफे वालों ने कहा कि जरा आके हमारे यहाँ बैठो ताकि लोगों को लगे कि कैफे ठीक ठाक है, तो ये पैसे वैसे ले रहे हैं कि अभी बगैर पैसे के खिला पिला रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा लोगों सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा कुछ नॉर्मल है। अरे पैसे वैसे ले रहे हैं या बगैर पैसे की चाय वाय पिला दे रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं सर, पैसे ले रहे हैं, कॉस्ट है जो भी है चार्ज, ऐसा नहीं है कि फ्री और हमारा सारा। अभी क्या मन है, मतलब जिस प्रकार का वातावरण बना था उसमें तो देश में ऐसा समझा जा रहा था कि इन बच्चों को तुरंत भारत लेकर आया जाए, निकाला जाए, फंसे हुए हैं, तो आप भारत तुरंत वापस जाना चाहते हो कि अभी पढ़ाई लिखाई के लिए यही रहना चाहते हो? जी सर बेशक, जब वो उस टाइम पे सिचुएशन क्रिएट हुई तो ऐसा एक पैनिक कंडीशन थी कि सबको लग रहा था कि लाइक हमें जाना चाहिए, लेकिन वो कंडीशन को गलत तौर पे और गलत उस पे भी हमें दिखाया गया और बाकी जगह शेयर भी किया गया, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और सारा कुछ नॉर्मल है और हम अपनी पढ़ाई आराम से यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे एग्जाम्स भी हैं, हम एग्जाम्स दे के जाएंगे, सब अपना कंप्लीट करके जाएंगे यहाँ से, बहाने अपने को भी जनरल प्रमोशन मिल जाए, एग्जाम देने ना पड़े। नो सर, नो सर, हमने बोला नहीं, जो माहौल बनाए थे पोस्ट कैसे आ गई? आप लोगों ने भेजी होगी तभी तो पोस्ट आई होगी, तो सर पोस्ट इसीलिए भेजी थी कि एग्जाम से बच जाए।
ऐसा तो कुछ नहीं था सर, उससे उस समय सच में डर की एक माहौल बनी हुई डर उस टाइम था। बस कितने दिन रहा डर का माहौल सर? एक दो दिन, एक ही दिन में, एक दिन में पता चला दिया। यस सर, एक ही दिन का था। गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी उस पर कंट्रोल किया और इसलिए माहौल को ठीक करने की गवर्नमेंट की बहुत पूरी कोशिश की सर। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। थैंक यू। आशा तो कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, अगर आप लोग जैसे तो आपके पास आ जाए। ये बताओ, ये कैफे वाले आपको ऐसे बैठने कैसे देते हैं? आप ऑर्डर ऑर्डर कुछ किए हुए नहीं हो, बिना पैसे के इतने घंटों तक तो बिठाए रखते हैं? सर ऑर्डर बता देते? नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऑर्डर ऑर्डर नहीं करो तो अभी वो आपको अपना हीटर वीटर का मजा लेने देते हैं? कैसा माहौल है इस समय पे बिस्किट का? सर अभी एकदम बिल्कुल ठीक है, अभी कोई डरने वाली कोई बात नहीं सर, एकदम नॉर्मल जैसे पहले था बिल्कुल ऐसा। एक बार बताओ जी, डर के रहते हो तुम्हारे कारण से यहाँ के लोग डर के रहते हैं? सर ना हम डर के रहते हैं ना हमारे कारण वो डर के, नॉर्मल रहते हैं सर जैसा इंडिया में नॉर्मल है। एकदम नॉर्मल कैसे कर लिए यहाँ पे? क्यों यहाँ पे इतना नॉर्मल है? सर सबके साथ फ्रेंडली नेचर रखना है जैसा पहले रखते थे, और वो कुछ समय की बात थी, वो एक दिन ज्यादा से ज्यादा जो लोगों को गलत फहमियां हुई क्या है क्या नहीं है, पूरी सिचुएशन नहीं पता चल पा रही थी, बस इतना था। कितने साल हो गए आप लोगों को यहाँ पे रहते हुए? अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर है सर। फर्स्ट ईयर पर हो गए 7-8 महीने। 7-8 महीने हो गए तो क्या लगा, माँ बाप ने गलत जगह फंसवा दिया? नहीं सर, बिल्कुल ठीक जगह आ गए। अच्छी बात है, अच्छी जगह। कहाँ के हो आप? सर भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़। आप भी भिलाई से हो? यस। तो भिलाई तो स्वयं पढ़ने वाले लिखने वालों की जगह है, तो भिलाई में पढ़ने की जगह यहाँ क्यों आ गए? सर एक फाइनेंशियल इश्यू भी होता है, जो यहाँ चीप है एमबीबीएस की पढ़ाई, इस वजह से हम यहाँ आए। परिवार कौन कौन है? मेरे पापा, दादा दादी, ऑल फैमिली, मतलब ज्वाइंट फैमिली रहते हम लोग। जब ये खबर फैली कि भाई किर्गिस्तान में तो बवाल मच गया है, सड़क पर निकलते ही पीट पाट दिए जा रहे हैं, पता नहीं जान से भी ना मार दिए जाए, तो घर वाले क्या बोले आपको? फोन आया? हाँ फोन आया। फोन करके डरा दिया? नहीं, मैंने फोन करके नहीं डरा है। बस ये सोशल मीडिया के थ्रू जो चीजें हुई, मतलब वायरल हुई थी, वो सब मैंने बताया कि ये सब फेक न्यूज है। इतना भी ज्यादा हाइप में जो सिचुएशन को बनाया गया था, ये सिचुएशन ऐसा कुछ था नहीं। बस मैंने कुछ दिन लिया था प्रिकॉशन, कुछ दिन अंदर रहने का, बट बाकी फिर कुछ दिन बाद मैं कॉलेज भी आना स्टार्ट कर दी थी। कुछ दिन पहले हमारा एग्जाम भी था, हमने दिया, सब चीज नॉर्मल था बाहर सिचुएशन। तो फिर क्या नाम है आपका? तो भव्या जी, ये बताओ कि कुछ दिन आप अंदर रही, तो अब कितने दिन बाहर रहने का इरादा? अब तो पूरे टाइम बाहर रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पढ़ा वढ़ा नहीं है बाहर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम निकल सकते हैं अकेले ही बाहर, ऐसा यहाँ पर पढ़ने के लिए लोग आते हैं, मस्ती मस्ती करने के लिए माहौल अच्छा मिलता है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं? नहीं, पढ़ने के लिए आते हैं। पक्का? हाँ। मिला के फैकल्टीज तो भाग भाग नहीं गई यहाँ पे दहशत में कि जिस समय पे मारपीट हुई तो पता चला वो लोग भाग खड़े हुए? नहीं सर, मैनेजमेंट हमारा पूरा साथ था, हमारे हमारे टीचर्स, खासकर हमारी नूरजमाल मैम, जितने भी टीचर, अमित सर, हमारे सब लोग हमारे साथ थे। उन्होंने जिस दिन ये हुआ उसी दिन उन्होंने फोन किया सबको, पूछा कहाँ हो, कैसे हो, कुछ भी जो प्रिकॉशन लेने थे उन्होंने तुरंत लिए। और जब सड़क पर निकले तो यहाँ के लोकल पुलिस पुलिस वालों ने तुम लोगों को ठोका पीटा नहीं कि यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो, ये मारपीट करने के लिए आए हो? नहीं सर, फ्रॉम साउथ, सो हिंदी इज नॉट वेरी गुड, दैट्स व्हाई। पिटना पिटाना तो तुरंत समझ गया भाई। सर पिटना पिटाना कुछ नहीं, आपके सामने बिल्कुल से बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं सर, हमने किसी को पीटा नहीं। तुम लोगों के संदर्भ में है कि यहाँ पर आए थे पढ़ने के लिए, लोगों के साथ मारपीट करने लगे हो? सर नहीं, नहीं हमने ऐसा कोई ना उनके साथ मारपीट की, ना उन्होंने हमारे साथ ऐसा कोई। तो फिर किसने किसके साथ मारपीट की? सर कुछ लोगों के साथ गलत फहमियां हुई थी वो सर, उसके बाद थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, अभी सर फिलहाल नॉर्मल है और यहाँ की गवर्नमेंट है सब और यहाँ भी आपके सामने देखेंगे। तो कुल मिला के मजे चल रहे हैं, यहाँ के बच्चे बता रहे हैं और उनके माँ बाप देश में बैठ के परेशान हो रहे हैं, तो देश में माँ बाप परेशान ना हो इसके लिए कुछ कहना चाहती हैं भाभी? हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सिचुएशन हुआ था वो एक बस एक रात की थी वो सिचुएशन,
अब सब चीज नॉर्मल है यहाँ, पहले के जैसा ही नॉर्मल हो चुका है। हम बाहर जा सकते हैं, कुछ भी अगर हमको चाहिए सामान लेना है हम बाहर से मार्ट से ले सकते हैं सामान, कोई भी आसपास मैगजीन है वहाँ से सामान लेके जा सकते हैं, कुछ भी निकलना हम निकल सकते हैं बाहर, ऐसा कोई डर नहीं है यहाँ। तो कुल मिलाकर किसी भी किस्म का डर नहीं है। पर एक बात बताओ, आप लोग खुद कितने हैरत में हो भाई, आप लोग जिस शहरों में रहते आए हैं, भिलाई में, भिलाई में कभी मारपीट नहीं होती? तो एक शहर में कहीं कुछ लोगों के बीच में मारपीट हो गए, इसके बाद भी आपने पूरे देश में तूफान उठा दिया, ऐसा आप लोगों ने क्यों किया? सर हमने नहीं किया, कि जो आप सोशल मीडिया पे कमाल कौन करता है सर वो, हाँ मतलब हम जितना सर्च करते जाएंगे कोई भी चीज को वो उतना ट्रेंडिंग बनता जाएगा, तो बस वही है, हमने सर्च किया, सबने सर्च किया। सर्च किए या पोस्ट भी उसी प्रकार का की है? नहीं सर, हम हमारे पोस्ट तो ऐसे नहीं थे, पर हवन चल रहा है हम भी आहुति देते हैं। नहीं सर, बस सर्च जितने ज्यादा हुए तो वही चीज ट्रेंडिंग हो गई, तो उतना हाइप बन गया कि ये ऐसा है माहौल। आप लोगों को लगा नहीं कि हमारे माँ बाप वहाँ पे कितने परेशान हो रहे होंगे, तो कुछ हम भी ऐसा पोस्ट कर दें जिससे लगे कि चीजें ठीक है? उस दिशा में क्या किए, क्या मजा आ रहा था, अरे देखो क्या तमाशा चल रहा है? नहीं नहीं सर, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उनको कोशिश हमें ये करना है कि उनको कम से कम टेंशन हो, वो हमसे काफी दूर है, वो हमको देख भी नहीं पा रहे हैं, पर तो भी उनको तो पहले हमें शांत कराना था, तो कोशिश हमारी ये रहती कि जो कम से कम उनको टेंशन हो पाए बस। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णु देसाई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, यहाँ के कुछ बच्चों के माँ बाप ने उनसे भी संपर्क किया, आज बीच में कौन थे जो वहां से फ्लाइट मंगाना चाह रहे थे और चाह रहे थे इस बहाने अपन देश में आई जाए? सर अब मैं सबके तो नहीं बोल सकता, पर जो ज्यादा पैनिक कर जाएंगे थोड़ा स्ट्रांग होना भी जरूरी है, ऐसी बहुत। आप कहां से हो? मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश हूँ। तो आपने योगी जी को याद नहीं किया? सर बिल्कुल, हमने एम्बेसी के कॉन्टेक्ट में तो हम थे ही, जो जो अपडेट हो रही थी हमें सब पता चली रही थी, तो और साथ में मैनेजमेंट था तो कोई इशू की बात। वो तो ठीक है, जो सवाल है वो बताओ भाई, आपके यहाँ तो राम जी आ गए, आपने बाबा को बुलाया कि नहीं बुलाया, योगी जी को बोले कि नहीं बोले फ्लाइट भेजो मुझे निकालो? नहीं सर हमने तो नहीं बोला। क्यों नहीं बोला सर? जब साथ में है लोग और हमारा मैनेजमेंट हमारे साथ ही है और हमारे जितने भी दोस्त हैं सब साथ में, इतनी बड़ी बात मतलब टेंशन सबको थी शुरुआत में, पर जहाँ जहाँ बात पता चलती गई कि सब नॉर्मल हो रहा धीरे धीरे, तो फिर हम लोग। ये बताओ आप पहाड़ को राई बता रहे हो या राई को पहाड़ बता दिए थे? सर राई को पहाड़ बता दिया गया था बस, कुल मिलाकर राई को पहाड़ बता दिया गया था, मर्म की बात इतनी है। चलिए बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप बातचीत को आखिरी बिंदु पर लेके जाते हैं, तो कोने में कुछ क्या यहाँ पर गुल खिलाए आप हमारे बच्चों का? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बस थोड़ा यहाँ मारपीट कर दिए थे? नहीं, हमारी कोई मारपीट या स्टूडेंट था कुछ नहीं हुआ, वो थोड़े फॉरेन स्टूडेंट्स थे इजिप्ट से, जिनके बीच हुआ आपस में जी, जिसकी वजह से सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बाकी हम सब सेफ थे। आपको क्या प्रॉब्लम हुई? बस थोड़ा दिन के लिए आइसोलेशन में रहे, थोड़ा दिन अंदर रहे, सेफ्टी मेजर फॉलो किए हम लोग, बाकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैनेजमेंट हमारे साथ थी। पर आप पूरे रायपुर की राजधानी में तो ये माहौल बना दिया था कि सरकार अभी तुरंत ही फ्लाइट भिजवाई, अगर नहीं भिजवाई तो पता नहीं आप लोगों का क्या होगा। यहाँ पर ऐसा क्यों किए? यहाँ पर ऐसा कि फेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैल रही थी, लोग डर गए थे, न्यूज सोशल मीडिया के थ्रू मतलब हर बुरी खबर फैल रही थी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बाकी रियलिटी ऐसा कुछ नहीं था, हम सब सेफ थे यहाँ पर। आप किस पे रहते हो? इंस्टा पे रहते हो, फेसबुक पे रहते हो, ट्विटर पे रहते हो? इंस्टा पे और ट्विटर तो देखते ही देखते हैं, रहते होते हैं। हाँ, तो आपने क्या पोस्ट किया उनको? मैं बस फॉलो कर रहा था, पोस्ट तो कुछ नहीं किया, बस सबको ये बताना चाहिए आ रहा था क्या आग लगी हुई। देखने में लग रहा था कि क्या हो रहा है, बस काम डाउन करने की कोशिश थी अपने लोगों को बताने के लिए कि हाँ सब। आपने पोस्ट क्या किया भाई? आप बड़े गंभीरता से बोल रहे हो कि मैं काम डाउन करना चाह रहा था, काम डाउन कैसे कर रहे थे? लगातार ट्रेडिंग आते जा रहे थे, कहाँ कहाँ आग लगी है, इससे काम डाउन हो रहा था? नहीं नहीं नहीं, जिनसे भी बात हो रही थी उनको बता रहा था कि नॉर्मल है, हम सेफ है। भाई सोशल मीडिया चला रहे हो ना, आपने क्या पोस्ट किया उस दौरान? हमने तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पोस्ट नहीं किया। क्यों, मजा आ रहा था? देख रहा था बस क्या चल रहा है। भाई आग लग रही थी तो आपने उसमें पानी डालने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? बस भाई अगर आप उसमें पोस्ट करते कि ये सब गलत है, यहाँ तो माहौल बहुत अच्छा है, हम तो मस्त घूम रहे हैं, अब पब में बैठे हो अपने दोस्तों के साथ में, ये लोग पोस्ट नहीं डाल रहे हैं, माहौल इतना। पोस्ट क्या देख रहे हो? पोस्ट यही चल रही है कि किर्गिस्तान में तो आग लगी हुई, बिश्केक में बच्चे बेचारे फंसे हुए हैं,
इतने फंसे हुए हम चुनाव छोड़कर आपके लिए यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। इस समय हमें जाना था बनारस, बनारस की जगह बिश्केक पहुँच गए। और मैं एक गर्ल हूँ तो गर्ल के लिए तो ये गर्ल डोमिनेटिंग कंट्री है, बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है। ये यहाँ के लोगों के साथ आप मिलते जुलते रहते हैं, कुछ बच्चे भी आपके साथ पढ़ते होंगे, लोकल की नहीं पढ़ते कोई भी बच्चे? लोकल के बैचेस अलग हैं, हम लोग के साथ नहीं पढ़ते लेकिन उनके बैचेस अलग हैं, लेकिन कॉलेज एक ही है, कॉलेज सेम है। तो जो बच्चे हैं उन बच्चों का बिहेवियर आप लोगों के संदर्भ में कैसा रहता है? वो लोग आपको मतलब एक मित्रता की दृष्टि से देखते हैं या इस रूप में देखते हैं कि ये लोग जबरदस्ती हमारी जगहों पर कब्जा करने के लिए आते जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो सब फ्रेंडली रहते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, हम हमारे चीजों को वो सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं बहुत सारी चीजें। और जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, जैसे ये तो जो मैं समझ पा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट है, शायद किसी इंडियंस के द्वारा ही चल रहा होगा या कोई पाकिस्तानी चला रहा होगा, और जो किर्गिज हैं वो लोग जो रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, वहाँ का माहौल कैसा रहता है? वहाँ भी नॉर्मल रहता है, वैसे हम लोग फ्रीक्वेंटली वहाँ जाते नहीं है क्योंकि हमारा खाना तो इंडियन खाना हमको पसंद है, तो हम यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ का खाना कैसा है? ये खाना अच्छा है यहाँ पर, इसीलिए इस रेस्टोरेंट का नहीं पूछ रहा मैं, इसकी मार्केटिंग करने थोड़े आया। मैंने यहाँ से पूछा ये कि जो किर्गिज है यहाँ का जो खान पान है वो कैसा है? शहर बहुत अच्छा है, देश बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे, आपने बताया। अब खाना कैसा है? खाना हम लोग को सूट नहीं करता है इंडियंस को, बाकी क्योंकि उनका लोकल फूड वो अपने हिसाब से खाते हैं, हम लोग को जब भी रिफ्रेशमेंट करना होता है हम लोग यहाँ जाते हैं अपने इंडियन रेस्टोरेंट। तो आपको समोसे को छोड़ी से अच्छा कुछ नहीं लगता? उससे बेटर कुछ नहीं है। और आप? सर, आप तो इंदौर से हैं। यस सर। इंदौर तो खाने पीने वाली जगह है, यहाँ पे गुजारा कैसा कर रहे हैं? सर गुजारा चल रहा है यहाँ पे, सर हॉस्टल में मिलता है खाना पीना और जब कुछ चेंज करने का मन होता है बाहर आ जाते खाने। यहाँ पर खाने के लिए आते हैं या पीने के लिए आते हैं? सर खाने के लिए आते हैं, कुछ पी के नहीं जाते। कोल्ड ड्रिंक चाय पी लेते हैं। तो अभी तो आप सब मना कर रहे हैं, आप क्या समझे थे पीने का मतलब? नहीं सर ऐसा नहीं, खाना पीना सर साथ में ही होता है। खाना पीना साथ में ही होता है। तो पीने में क्या क्या रहता है? पीने में सब कोल्ड ड्रिंक, पानी, चाय, कॉफी। इसलिए पूछा कि ऐसा तो कुछ पीते पीते नहीं जिसके कारण से फसाद हो जाता है? नहीं नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं पीते। क्यों? मन ही नहीं होता सर अंदर से पीने का, या यहाँ का टेस्ट अच्छा नहीं होता? ट्राई नहीं करा सर, टेस्ट का पता ही नहीं कैसा होता है। तो कुल मिलाकर कैसा लग रहा है एक घटना जो घटित हुई 13 मई को? परस्यू करना है अपना पार्ट। तो भाई कुल मिलाकर अब सीधी सीधी बात अपने दर्शकों से ये है कि बिश्केक की चिंता करना बंद कर दीजिए, किर्गिस्तान में बच्चों की चिंता करना बंद कर दीजिए। बच्चे यहाँ मस्त कैफे में बैठ के कॉफी चाय पी रहे हैं और आप अपने घरों में बैठे तनाव पाल रहे हैं। बदलिए अपने आप को, क्योंकि यहाँ सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। आज हम पहुंचे हैं यहाँ की सरकार के पास, अर्थात किर्गिस्तान की सरकार के पास। इस समय पर हम यहाँ के आंतरिक सुरक्षा मामलों के मंत्री के पास मुलाकात के लिए जा रहे हैं। आप पीछे देख रहे हैं ये उनका दफ्तर है, वहां पर जा रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि देश के हालात क्या है, बिश्केक के हालात क्या है और यहाँ पर भारतीयों के हालात क्या है। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, चलते हैं अंदर और सीधे करेंगे मंत्री से मुलाकात, जो बताएंगे हमें यहाँ के हालात के विषय में। जैसा कि हमने कल कहा था कि हम यहां पर केवल बच्चों से बात नहीं करेंगे, ये बच्चे जिनके भरोसे इस देश में रहते हैं उन लोगों से भी बात करेंगे। इसी क्रम में हम यहां की सरकार के एक महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ हैं जो यहां पर आंतरिक सुरक्षा मामलों के उप मंत्री हैं। इनका नाम है बिबुविशुनोव एडिबिक, तो वह हमारे साथ हैं। यहां पर भाषा की थोड़ी सी दिक्कत है, अंग्रेजी जितनी बेहतर तरीके से हिंदुस्तान के लोग बोल लेते हैं बाकी दुनिया में इतना अंग्रेजी के प्रति लोगों का आग्रह नहीं रहता है, किर्गिस्तान भी उनमें से एक है। तो यहां पर हमें दो मवेशिये की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ के एक मशहूर उद्योगपति हैं सुनील यादव जी, तकरीबन 22 साल से भारत से यहां पर आकर रह रहे हैं, उनकी हम मदद लेंगे। तो सुनील जी हमारे साथ हैं, तो सुनील जी थोड़ी हमारी मदद कीजिएगा। तो बिबुविशुनोव साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे को समय देने के लिए, और बातचीत की शुरुआत जो करना चाहते हैं वो इसी संदर्भ में करना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले एक खबर आई कि यहाँ के हालात बहुत बिगड़ गए, क्या हुआ था? Я очень добро пожаловал вас и спасибо вам то, что вы дали нам возможность. Я даю, хочу вас спросить, чтобы вы чуть-чуть объяснили нам недавно, что произошло у нас в Киргизстане. Здравствуйте еще раз. У нас на сегодняшний день в Кыргызстане обстановка очень спокойная. Сами вы видели, что... Недавно какие события у нас были, это немножко было недопонимание между нашей молодежью и иностранными студентами.
иностранными студентами изначально было вот представители Египта было, потом Пакистана. А со студентами, представителями из Индии никаких инцидентов не было. На сегодняшний день порядок в Кыргызстане обеспечен, столица у нас обеспечен. Вот. Все иностранные студенты, в том числе и студенты, прибывшие из Индии, свободно ходят, свободно занимаются, посещают занятия. Вот. У нас они учатся в медицинских учебных заведениях, с ними встречались и представители Министерства здравоохранения, это министр здравоохранения. उनका कहना है कि जो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था. उस इंसिडेंट के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट था किसी फॉरनर स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था. इनिशियली जांच में पता चला कि इजिप्ट के जो स्टूडेंट थे उनका इन्वॉल्वमेंट था. फिर उसके बाद कुछ पाकिस्तानी बच्चों का भी नाम उसमें आया था. वो इंसिडेंट जो था उसके बारे में ऑलरेडी हम आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, वो चीजें सॉल्व हो चुकी हैं. वो कुछ घंटे की बात थी, कुछ घंटे में वो सब क्लियर हो गया. उसके बारे में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उसके बारे में अनाउंसमेंट भी की, बताया भी. आज की डेट में सारा चीज शांति है. इंडियन स्टूडेंट जो है सारे सेफ है. यहाँ पे मेजोरिटी इंडियन स्टूडेंट जो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं. ये जो घटना हुई इसमें कितने लोग मारे गए और कितनी बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ, रेप हुआ? तो इंसिडेंट पर जिस स्कूल का चिल्ला एक उबिले इस स्कूल का बिल इज ना सीलवन. По данному факту ни один студент иностранный не убит, тяжких, особо тяжких даже повреждений не получили. Получили такие менее тяжкие ранения, и всего лишь обратилось в медицинское учреждение всего лишь 29 человек. Из них студентов из Индии не было. Вот. И никого не изнасиловали, никого не избивали. Были легкие телесные повреждения. कह रहे हैं कि इस इंसिडेंट में किसी का भी डेथ नहीं हुआ, किसी का भी रेप नहीं हुआ, एक भी इंसिडेंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ. 29 लोग इंजर्ड हुए थे जो कि सब माइनर इंजरी थी. उस 29 में से 29 के सारे लोगों को ट्रीटमेंट देके घर भेज दिया गया था. किसी भी का भी स्टूडेंट का इसमें. ये जो 29 लोग घायल हुए चाहे मामूली रूप से घायल हुए, इसमें कितने यहाँ के स्थानीय लोग थे और कितने विदेशी थे, विदेशी बच्चे थे? Это представители разных стран. Там и наши граждане есть, и есть граждане иностранных государств. Вот есть студенты из Индии, из Пакистана, из Бангладеша. Наши тоже там молодежь пострадала. То есть все получили легкие телесные повреждения. Таких больших повреждений не было. ये 29 लोग जो थे इसके अंदर सारे नेशनल के लोग थे, हमारे भी लोग थे, बांग्लादेश के भी थे, पाकिस्तान के भी थे. इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनका किसी भी हॉस्पिटल में कहीं पे भी कुछ भी रजिस्ट्रेशन में नहीं आया. बट बाकी जो मिक्स सारे लोग थे और सब लाइट इंजरी. मतलब आपका कहना है कि भारत का एक भी बच्चा घायलों की सूची में शामिल नहीं था, मतलब कोई बच्चा भारतीय ऐसा नहीं था जो घायल हुआ? नचित नाशा इस तरह नो ग्रजदानी निंदी पास पीसक बोलते तद्वस देवी चिलाएक नहीं बेज नचित इन दोसर मुझसे लगे. Среди пострадавших нету. Также хотелось бы сказать, что данный инцидент и все факты, связанные с нарушением прав иностранных студентов, держатся на контроле непосредственно министра внутренних дел. И по данному факту также сделал обращение президент Кыргызстана. Он держится на контроле. Сегодняшний день Кыргызстан, как и все страны, достаточно открытая, демократичная страна. И без внешнего взаимодействия будет сложно развиваться. Обмен студентами – это один из видов, если получается. कह रहे किर्गिस्तान हमारा, आप सबको पता है हमारा किर्गिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है. जैसे कि यह हमारे रिलेशन के लिए भी एक अच्छी बात है. हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कंट्री में इंडियन बच्चे आए, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं. Сказать, что все иностранные студенты, и в том числе и студенты из Индии, ведут себя очень хорошо, я не могу, потому что бывают всякие нарушения, мелкие нарушения каких-то прав, законов, это встречается со всеми представителями, поэтому сказать, что они себя очень плохо ведут или как-то плохо
ориентируются нельзя, потому что, в принципе, они все, в основном, основная масса соблюдают все правила и законы, которые есть у нас в стране. कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे कंट्री के नेशनल्स जितने भी आए हुए हैं यहाँ पे स्टूडेंट वो अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हैं और रूल नहीं तोड़ते. हाँ, छोटी मोटी गलतियां सभी से होती है, उसी में इंडियन भी हैं, उसी में बाकी हैं. छोटा मोटा तो छोटा मोटा सबसे होता रहता है. क्या आप आगे भी चाहेंगे कि भारत के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए, या आपको इस इंसिडेंट के बाद लगता है कि भाई आप अपने देश में देखो, यहाँ पे आके हमें परेशान मत करो? Дальше тоже приезжали сюда, учили. Либо вы думаете, лучше пускай это не придут, это хорошо. У нас заспокоили, никаких насильственных жертв, каких-то убийств или изнасилований, что-то вообще не было. Это просто надумано и наговорено. Бол рэ, хамне инцидент ке бад се кантри ме патролинг бадха ракхи е. Хамне хар жаге камеры жо те, унко активейт кар ракха е, ор камеры эд би ке е. तीसरा, हमने जो कॉलेजेस हैं उन सबसे बात कर रखी, कॉलेज वालों ने भी अपनी तरफ से अपने लेवल पे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के मेजर्स को बढ़ा रखा है. और ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये बहुत छोटा इंसिडेंट था. अगर आप इसको कहते हैं कि इससे इंटरनेशनली कंट्री का इमेज खराब हुआ, तो मेरा ये मानना है कि कोई थर्ड पावर थी जो चाहती थी इसको यूज करके थोड़ा सा हमारा नाम खराब करना. बट ये इंसिडेंट बहुत छोटा था, जिसमें कोई भी बड़ी किसी को डैमेज नहीं हुआ. ये जो तीसरी ताकत है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उसे खोज पाए या अभी अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं? Сейчас наши подразделения работают, расследуют данный инцидент, и все виновные будут найдены и наказаны. अभी इनका डिपार्टमेंट ऑलरेडी सारे डाटा को कलेक्ट करके उसके ऊपर ढूंढने में लगा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां से इनको आइडिया ऑफलाइन हो सकता है उसको ऑफलाइन के लिए. तो ये बाकी की पूरी डिटेल आखिरी बिंदु पर है. कुल मिलाकर भारत के साथ संबंध क्या इस घटना से कहीं प्राप्त हुए? क्या भारत सरकार ने इस संदर्भ में आपके यहाँ कोई बातचीत की? भारतीय दूतावास के साथ आपका संबंध कैसा है? После этого между Киргизстан и Индия в отношениях как-то изменились? Либо наша сторона, индийское правительство, либо через посольство, либо через посол, как-то обратились они к вам? У вас был разговор, вы встречались, нет? По данному поводу мы с представителями посольства не встречались, но мы представили всю информацию, которая интересовала представителей посольства. С представителями посольства разговаривали в нашем Министерстве иностранных дел, которые давили всю информацию, которая она есть. То есть, что никто из студентов не пострадал, никаких насильственных преступлений не было. इस इंसिडेंट से रिलेटेड हमारी और इंडियन एम्बेसी की अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है. बट हाँ, उनकी तरफ से क्वेरीज आई थी इंडियन एम्बेसी की तरफ से, तो हमारे मिनिस्टर जो है इंटरनल अफेयर्स के, उन्होंने उन सारी क्वेरीज के रिप्लाईज उनको दे दिए थे. उन्होंने बहुत क्लियरली बताया था, हमारी तरफ से बताया गया था कि कोई भी इंडियन स्टूडेंट इस कहीं पे भी किसी चीज में इफेक्ट नहीं हुआ, तो वो हमारी तरफ से उनको बताया जा चुका. कुमला हमारी जो बातचीत हुई यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा मामलों के उप मंत्री बेबुसनोस जी के साथ में, वो बता रहे हैं एक छोटा सा घटना थी जो कहीं पर भी घटित हो सकती है, पर उसे तुरंत ही काबू में लाया गया. कुल मिलाकर इस घटना में 29 लोग घायल हुए, जिसमें कुछ विदेशी भी थे, कुछ स्थानीय लोग भी थे, पर उन 29 लोगों में एक भी भारतीय शामिल नहीं था. यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है. दूसरा, उनका यह कहना है कि किसी का मर्डर नहीं हुआ इस घटना में, किसी का बलात्कार नहीं हुआ, ना उस घटना के दौरान ना उस घटना के बाद. तीसरी बात वो महत्वपूर्ण बोल रहे हैं कि भारत के साथ में हम अच्छे रिश्तों के हमेशा हिमायती रहें, भारतीय बच्चों का व्यवहार यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है, हम आगे भी चाहेंगे कि भारतीय बच्चे यहाँ पर आए, यहाँ पर पढ़ें, अपना जीवन संवारें. और आखिरी बात उनका कहना है कि कोई तीसरी ताकत जो इस पूरी घटना को इतना ऊंचाई दे दिया, इतना ज्यादा चर्चित कर दिया, उस ताकत को खोजने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और जो भी इसके पीछे थे उनको खोजेंगे भी और उनको दंडित भी करेंगे. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.